हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। हम अपने आने वाले वीडियोस में एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस एक पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपको जो है एक हैंडमेड नोट भी प्रोवाइड करूंगा पूरे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज का, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ जनरल टर्म फॉर सेवरल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल बाय यूजिंग एक्सरे एक्साइटेशंस। सो बेसिकली जो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक प्रकार का जनरल टर्म है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि हमने कोई मटेरियल लिया, उसमें जो है हम एक्सरे रेडिएशंस को जो है डालते हैं उस मटेरियल में, मतलब एक्सरे रेडिएशंस का यूज करते हैं उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए। तो ये जो टेक्निक हम यूज करते हैं, एक्सरे को हम मटेरियल में डालते हैं, ये टेक्निक हमारा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। ये जनरल टर्म हम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस टेक्निक को जो है बताने के लिए हम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरल टर्म का प्रयोग करते हैं। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। एक्सरे वेयर डिस्कवर बाय विलहेम कॉनराड रॉन्टगन इन 1895 इन द कोर्स ऑफ अ सिस्टमेटिक स्टडी टू ऑब्जर्व इफ एनी रेडिएशन कुड बी प्रोड्यूस विच वुड ट्रेवर्स मैटर ओपेक टू ऑर्डनरी लाइट। सो बेसिकली जो एक्सरे था हमारा, उसको जो है विलहेम कॉनराड ने डिस्कवर किया था 1895 में। वो जो है एक सिस्टमेटिक अध्ययन कर रहे थे रेडिएशंस के बारे में। तो उन्होंने पता किया कि जो उन्होंने जो है ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली जो है एक ऑर्डनरी लाइट होता है, जो कि हमारे मैटर से जो है ट्रेवर्स उससे पार होके जो है एक धुंधला सा हमको जो रेडिएशन प्राप्त होता है वही जो है हमारा रेडिएशन होता है। मतलब इन्होंने जो है रेडिएशन को एक प्रकार से डिफाइन किया था। एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^10 meters। तो एक्सरे जो है, जो एक्सरे हमारा है वो एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम अपने अदर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से एक्सरे भी जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिसका प्रयोग हम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। अब हम तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका प्रयोग करके हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो है स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन कर सकते हैं इन तीनों मेथड्स का यूज करके। एक है हमारा एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेथड, एक है हमारा एक्सरे फ्लोरोसेंस एमिशन मेथड और एक है हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। सो बेसिकली एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेथड क्या होता है? इन एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेथड अ बीम ऑफ एक्सरे इज अलाउड टू पास थ्रू द सैंपल एंड द अटेन्यूशन आर फ्रैक्शन ऑफ एक्सरे फोटोन्स एब्जॉर्ब इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। सो बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन मेथड्स होता है इसको, ये हमारा इसका थ्योरी पोर्शन है, इसको जो है हम इस डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सो बेसिकली जो ये हमारा इंसिडेंट एक्सरे है, तो ये जो हमारा इंसिडेंट एक्सरे है जब ये सैंपल से जो है टकराएगा उसके बाद जो है ये सैंपल जो है कुछ रेस को, कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बाकी जो रेडिएशंस होता है वो इससे पार कर जाता है, जिसे हम ट्रांसमिटेड रेडिएशंस भी कहते हैं। सो बेसिकली अगर हम एब्जॉर्ब रेडिएशंस को डिफाइन करें तो सैंपल इज एब्जॉर्ब सम रेडिएशंस एंड दैट इज नोन एज एब्जॉर्ब रेडिएशंस। और एब्जॉर्ब रेडिएशन पता करने के लिए हमको ट्रांसमिटेड रेडिएशंस और इंसिडेंट एक्सरे दोनों को माइनस करते हैं, तो हमको जो है सैंपल ने कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है उसका अमाउंट हमको पता चल जाता है। तो बेसिकली ये हमारा एब्जॉर्ब रेडिएशंस है, जिसे हम ट्रांसमिटेड रेडिएशंस भी कहते हैं। और ये जो है हमारा एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेथड कहा जाता है, जिसमें जो है बीम जो है सैंपल के पार कर जाता है और फोटॉन्स को जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा सैंपल, और उसको जो है एब्जॉर्ब रेडिएशन कहा जाता है। बेसिकली ये जो है थ्योरी पोर्शन ऐसा बताता है। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा इन एक्सरे फ्लोरोसेंस और एमिशन मेथड एक्सरे आर जनरेटेड विद इन द सैंपल एंड बाय मेजरिंग द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ जनरेटेड एक्सरे वन कैन परफॉर्म द एनालिसिस। सो एक्सरे फ्लोरोसेंस मेथड्स क्या होता है? एक्सरे फ्लोरोसेंस मेथड्स
को समझने के लिए ये डायग्राम हम देखते हैं। बेसिकली ये जो इंसिडेंट एक्सरे है और सैंपल से जाने के बाद ये हमारा फ्लोरोसेंस रेडिएशन प्राप्त होता है। सो बेसिकली ये हमारा, जैसे कि हमने एक एटम से ले लिया, उसके बाद ये रेडिएशन जब हमारा ये इनर सेल पर ये अटैक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इस सेल में, जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो है हमारा एक्साइटेड स्टेट में आके जो है ये आउटर सेल में ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है। जब ये रेडिएशन इसको स्ट्राइक करता है इस एटम को, उसके बाद जब रिलैक्सेशन स्टेट आता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से अपने उसी स्थिति में वापस आ जाता है। तो उस दौरान जो ये इलेक्ट्रॉन होता है एक रेडिएशन जो है जनरेट करता है, ठीक है, एक प्रकार का रेडिएशन जनरेट करता है, जिसे जो है हम फ्लोरोसेंस रेडिएशंस या एमिशन रेडिएशंस कहते हैं। और इस रेडिएशंस का जो वेव लेंथ होता है और इंटेंसिटी और वेव लेंथ जो होता है, ये हमारे इस रेडिएशन से, जो ये हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इससे ज्यादा होता है, कई गुना ज्यादा होता है ये वेवलेंथ। तो बेसिकली इस मेथड का प्रयोग करके हम जो ये एक्सरे होता है इसका रियल वेवलेंथ ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटेंसिटी और वेवलेंथ को जनरेट करते हैं एक्सरे का, और हमको जो है उसको एनालिसिस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सरे रिफ्रैक्शन मेथड आर बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल्स। सो जो तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, उसमें बेसिकली जो हमारा जो सैंपल में, जो पर्टिकुलर सैंपल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इंसिडेंट रे जब सैंपल को स्ट्राइक करेगा तो डिफरेंट जो ये हमारा रेडिएशन होगा और डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, तो ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में हमको प्राप्त होगा उसको डिफ्रैक्टेड रेडिएशन कहते हैं। बेसिकली जब सैंपल क्रिस्टल फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रैक्टेड रेडिएशन मेथड में, तो अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में होगा तो इंसिडेंट रेडिएशन को डिफरेंट जो है साइट डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देगा, इसको हम डिफ्रैक्टेड रेडिएशन कहते हैं। तो ये हमारा तीन इंपॉर्टेंट जो है मेथड्स है, और ये जो है एक हेलमेट्स नोट है, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये आता है तो आप इसको अटेंड करके आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ये बेसिक हेलमेट्स नोट्स है। अब हम तीनों कंपेयर करेंगे तीनों मेथड्स में से। तो बेसिकली अमॉन्ग एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेथड, एक्सरे फ्लोरोसेंस मेथड एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, द लास्ट टेक्निक इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड हैंस वाइडली यूज्ड फिजिकल प्रोसीड्यूर फॉर द कंप्लीट डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो बेसिकली ये जो हमारा तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स है उनमें डिफ्रैक्शन मेथड जो लास्ट मेथड है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, बहुत सुविधाजनक है और बहुत ज्यादा यूज भी होता है ये प्रोसीड्यूर किसी भी मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। Prerequisites for the X-ray diffraction to be applicable is that the material should be crystalline in nature. X-ray analysis could be successful employed for obtaining. So basically, जो है अगर हम ये diffraction method use कर रहे हैं, X-ray diffraction method use कर रहे हैं, तो कुछ important जो है कुछ जो है आवश्यक शर्तें हैं कि जो हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन टू बी एप्लीकेबल, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा मटेरियल जो होगा वो क्रिस्टलाइन होगा या फिर क्रिस्टल फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये जो ठीक है, एक्सरे एनालिसिस कुड बी सक्सेसफुली इंप्लॉयड फॉर ऑप्टेनिंग, एक्सरे अगर अच्छे से कार्यरत है तो हमको ये जो है ऑप्टेन होंगे, ये जो हमको स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे किसी भी पर्टिकुलर सैंपल के। द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूल, कोई भी हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल, ठीक है इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, किसी भी मॉलिक्यूल का इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है बाय यूजिंग दिस मेथड डिफ्रैक्शन मेथड। एंड थर्ड है अ डिटेल पिक्चर ऑफ द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ ईच एटम इन द क्रिस्टल्स, ठीक है, किसी जो है हमको क्रिस्टल का जो है जो सैंपल में हमारे जितने भी एटम्स होंगे सभी का थर्मल वाइब्रेशन इस पिक्चर हमको प्राप्त होता है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में अगर हमारा एटम्स हैं, मतलब जो सैंपल में या जो क्रिस्टल में हमारे जितने भी एटम्स हैं उनका थर्मल वाइब्रेशन पिक्चर हमको डिटेल में प्राप्त होता है। तो ये बेसिकली जो है हमारा इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, तीन इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनमें जो है डिफ्रैक्शन मेथड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में।
ये एक हैंडमेड्स नोट्स हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। आई होप कि आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो। अगर यूजफुल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए आगे की वीडियोस देखने के लिए। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी जो है टॉपिक्स हैं, हम सारे टॉपिक्स आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड वीडियोस और बाकी एमएससी सेमेस्टर एग्जाम के नोट्स के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।